नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो 2013 थर्ड ग्रेड भर्ती का मैंने एक पेपर आपको हिंदी का प्रोवाइड करवाया था और इंटरनेट पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, और मैंने आपको क्या जीवा स्टडी पर सबसे पहले प्रोवाइड करवाया था। अब मैं आपको SST का पेपर भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि 2013 में जो सेकंड पेपर हुआ था वो जिला वाइज हुआ था, और वो पहले वाला जो हिंदी का पेपर था वो कहाँ का था? चूरू जिले का था, ठीक है। चूरू जिले का जो सेकंड पेपर था 2013 थर्ड ग्रेड का। अब मैं आपको अलवर जिले का SST का सेकंड पेपर बता रहा हूँ, आप जरूर देखें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्दी आपके पास साइंस, मैथ और इंग्लिश का पेपर भी आने वाला है, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको क्या हिंदी का जो सेकंड पेपर होता था वो प्रोवाइड करवाया, अब आप SST का देख सकते हो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन इस हिसाब से हैं, क्वेश्चन का जो मैंने आपको पैटर्न पहले वीडियो में बता दिया कि 20 क्वेश्चन राजस्थान करंट और विषय संदर्भ, 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके के जो कला संस्कृति और इतिहास जियोग्राफी, 20 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के और 20 शिक्षा मनोविज्ञान के, और 60 आते थे सब्जेक्ट के। टोटल 140 क्वेश्चन आते थे 200 नंबर के, और ऊपर वाले आते थे आपके एक एक नंबर के, तो 80 नंबर के ही हो जाते थे, और सब्जेक्ट वाले 120 नंबर के, यानी दो दो नंबर के, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती थी। हिंदी वाला पेपर अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करें, जल्दी आपको वहां पर मिल जाएगी। अब देखो खंड एक में 20 क्वेश्चन आते थे राजस्थान का जो करंट अफेयर, ये अलवर जिले का 2013 का SST का पेपर है, तो इसमें देखो इसी हिसाब के क्वेश्चन आते थे। परंपरागत रूप से राजस्थान के राज्यपाल ग्रीष्मकाल में कुछ समय बिताते थे, कहां पर बिताते थे? माउंट आबू में। मतिरे की राड आपको बताइए, मतिरे की राड बीकानेर नागौर में हुई थी, ठीक है, जो बीकानेर और नागौर के राजाओं के बीच में हुई थी। राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक का नाम जॉर्ज मैकलिस्टर। तो ये क्या राजस्थान के जो फैक्ट थे महत्वपूर्ण, वो प्लस कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी इतिहास वगैरह के आ जाते थे, प्लस करंट के भी कुछ क्वेश्चन आते थे। जैसे देखो यहाँ पर एक है करंट का क्वेश्चन, देखो कि भारत ने किस राज्य से सन 2013 के अंधविश्वासों को नियंत्रण करने हेतु अध्यादेश जारी किया है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस हिसाब के 20 क्वेश्चन आते थे। एक बात और, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करोगे 50,000 का टारगेट है, आप जल्दी से 50,000 सब्सक्राइब करवाएं। जल्द ही मैं आपको और भी क्या है, और भी आपको मैं SST का हो गया, हिंदी का हो गया, और भी पेपर में साइंस मैथ की भी बात चल रही है, जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि नेट पर मिल ही नहीं रही है पेपर। तो आपको क्या जल्दी से अगर हर पेपर चाहिए तो 50,000 का टारगेट जल्दी स्टार्ट कर दें। मैं आपको क्या ये टेलीग्राम पर जल्द ही क्या, जैसे 10,000 भी होंगे इस वीडियो को, मैं आपको क्या टेलीग्राम पर ये पूरा का पूरा पेपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हिंदी का वहां पर ऑलरेडी पेपर अपलोड है, ठीक है। फिर खंड बी में क्या आता था, राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास वगैरह आते थे, इसमें आप देख सकते हो ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर ज्यादा होते हैं, आपको पता ही, अक्षय तृतीया पर जो वैशाख में आती है, ठीक है। फिर क्या, कौन सी नदी लुणी की सहायक नदी नहीं है, नहीं कौन सी है, सूकड़ी नहीं है, तो इस हिसाब के क्वेश्चन आते थे। खो दरीबा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, ठीक। तो ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर है, यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, वो देख सकते हो। देखो यहाँ पर खंड तीन शायद यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये खंड यहाँ तक है। तीसरा 40 क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन पहले करंट प्लस विशेष संदर्भ के, और अगले 20 क्वेश्चन आपके आ गए किसके, जो राजस्थान का जो जीके। देखो टाई ट्यूब आपको पता है कांकरोली राजसमंद में है, ये ऐसे क्वेश्चन आते थे। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गोमती नदी पर, ठीक है। नक्की झील किस जिले में, आपको बताइए सिरोही में, माउंट आबू में। फिर देखो अगले जो 20 क्वेश्चन आते थे वो आते थे शिक्षा मनोविज्ञान के, तो ये देखो मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान प्लेटो सुकरात वगैरह ने कहा था, फिर मस्तिष्क का विज्ञान आया, फिर चेतना का आया, और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है, जो इसका सटीक उत्तर होगा वो होगा व्यवहार का विज्ञान। फिर जीन प्याजी के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्थाएं आपको बताइए चार होती है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में सहायक, ये सब के सब आपको फर्स्ट पेपर के जैसे ही आए थे, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हो 60 नंबर क्वेश्चन तक आपके, 60 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 60 नंबर क्वेश्चन तक आपके सब के सब क्वेश्चन किसके आते थे? शिक्षा मनोविज्ञान के, ठीक है। फिर आता था बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में वृद्धि विकास बुद्धि वगैरह आते थे, तो ये आप देख सकते हो पूरे के पूरे इस हिसाब से आया था। SDSD क्या है, ठीक है। फिर एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था बालकों की अधिक पहल करती है, आप पूरा का पूरा पेपर देख सकते हो। जैसे 10,000 व्यू होंगे इस वीडियो को, मैं आपको क्या टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा ये पेपर, हिंदी चूरू जिले का हिंदी का सेकंड पेपर ऑलरेडी अपलोड है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और 50,000 सब्सक्राइब भी जल्दी से जल्दी करवाएं आप, क्योंकि जीवा स्टडी आपको हरदम एकदम सटीक और सही जानकारी और सबसे पहले चीज प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप क्या हिंदी का हो चुका, SST का हो चुका, जल्दी आपके पास क्या मैथ साइंस प्लस जो इंग्लिश है उसका भी पेपर आने वाला है, किसी को कह रखा है मैंने, क्योंकि नेट पर उपलब्ध नहीं है ये सब। फिर देखो 80 नंबर क्वेश्चन आ गया यहाँ तक, फिर देखो 80 नंबर तक हो गया, 80 क्वेश्चन 80 नंबर, 20 साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान के, 20 शिक्षा मनोविज्ञान के, 20 राजस्थान जीके, 20 करंट प्लस विशेष संदर्भ। उसके बाद में जो SST के स्टूडेंट थे, एक बात और, जो लास्ट के 60 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं वो SST वालों के 60 के 60 SST के, हिंदी वालों के 60 के 60 हिंदी के, और जो साइंस मैथ वाले उनके 60 के 60 क्वेश्चन साइंस मैथ के, तो इस हिसाब से आते थे। तो अब देखो
साइंस मैथ के क्या मिक्स में आते हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि साइंस मैथ का एक ही टीचर होता है। अब देखो यहाँ पर टीचिंग मेथड नहीं आते है, जो फर्स्ट पेपर में आते हैं वैसे यहाँ पर टीचिंग मेथड यानी पेडागोजी नहीं आती है, डायरेक्ट के डायरेक्ट आपको क्या है 60 के 60 क्वेश्चन SST के हैं। और वैसे जो जीके और SST में तो कोई अंतर होता नहीं है, और आप देख सकते हो सारे के सारे वही क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या जो 10+2 लेवल के क्वेश्चन आते हैं ये ध्यान रखना, 10 लेवल के नहीं आते, 10+2 सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन आते थे। तो ये पूरा देख सकते हो आप, ठीक है, पूरा आप देख सकते हो। राज्यपाल शासन के प्रावधान वाला राज्य है, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में, तो यहाँ से सब कुछ हट गया, ये 2013 का पेपर है इसलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार का घटक है, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है, तो कौन सी 12वीं, ठीक है, ग्रामीण से 11वीं है और नगरीय से 12वीं है, पूरी 12 अनुसूचियां हैं। तो ये सब आप देख सकते हो, ग्रेनाइट है एक प्रकार की आग्नेय सेल है, ठीक है, आग्नेय अवसादी और कायंत्रित होती है, आग्नेय सेल कौन सी है, ग्रेनाइट है। फिर देखो पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी, जो 10+2 लेवल की SST है, जो राजस्थान बोर्ड की बुक चलती है, वहाँ उन्हीं लेवल का क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 60 के 60 क्वेश्चन, कोई टीचिंग मेथड का क्वेश्चन नहीं आता, ऊपर के 80 क्वेश्चन अलग टाइप से आते हैं। हिंदी का पेपर मैंने प्रोवाइड करवा दिया, SST का मिल गया, साइंस में तो इंग्लिश वगैरह का जल्दी आपको मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें, 10,000 व्यू होते ही आपको क्या है टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे लिंक दिया गया उस पर ये अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और हिंदी का वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड है, यहाँ पर देखो पूरे 140 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि जो SST वाले हैं उनमें जीके और SST में कुछ अंतर तो होता नहीं है, तो इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। कौन सा समूह सही नहीं है, ठीक है, जूनागढ़ कहाँ पर है, जो बीकानेर में, बाकी सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, तारागढ़ अजमेर में, ठीक है। कौन से केंद्र में सीमेंट उद्योग नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बरौनी बिहार में। चित्रंजन प्रसिद्ध है, लोकोमोटिव वर्कर्स, ठीक है, वर्क्स, ठीक, इस हिसाब के क्वेश्चन आते थे। लास्ट क्वेश्चन आता था सिलीसेड कहाँ पर है, आपको पता ही है कौन सा सही है ये पूछा है यहाँ पर, तो सिलीसेड कहाँ पर है, अलवर में, तो यहाँ पर अजमेर दे रखा, तो ये सही नहीं है। नक्की झील माउंट आबू में, बिल्कुल सही, आना सागर अजमेर में, तो ये गलत हो गया। राजसमंद कहाँ पर है, नाथद्वारा कहाँ पर है, राजसमंद में, तो ये थोड़ा सा क्या है अलग दे रखा है, या जी भी दे रखा है, ठीक है। राजसमंद झील कहाँ पर है, उदयपुर में। अब देखो बाकी क्या है, मांडवा की पाल फ्लोराइड के लिए है, ठीक है, मांडवा की पाल कहाँ पर है, फ्लोराइड उत्पादन के लिए है, ठीक है। रामपुरा गुंचा आपको पता है सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है, बनास नदी का, ठीक है, जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी बनास नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा, केरल। तो इंडिया जीके, राजस्थान जीके, सबका मिक्स आता है SST में, जो लास्ट के 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप टारगेट पूरा करें, और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर सबसे पहले उपलब्ध हो रही है। मैंने सबसे पहले आपको हिंदी का चूरू जिले का, और अभी SST का अलवर जिले का, ठीक है, अलवर जिले का SST का पेपर है, तो आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। साइंस मैथ के क्यों जल्दी मैं बता रहा हूँ, और आप क्या जो फर्स्ट पेपर में पढ़ोगे वही चीज़ अलग बगे यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा कोई अलग नहीं है। बस यहाँ पर क्या है 20 क्वेश्चन राजस्थान के करंट प्लस विशेष, 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके, 20 शिक्षा मनोविज्ञान, 20 बाल मनोविज्ञान, और 60 सब्जेक्ट के, ऐसे आते थे 2013 में, ठीक है। 140 क्वेश्चन, जो ऊपर के क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के, नीचे वाले 120 नंबर के, यानी कि दो दो नंबर के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो इस हिसाब का ही पैटर्न रहने वाला है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो धन्यवाद बन रहे जीवाश्री के साथ, 10,000 कम से कम व्यू तो आप दे सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 50,000 का आंकड़ा प्राप्त करते हैं। धन्यवाद बन रहे जीवा स्टडी के साथ।